मॉर्निंग दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए, सुबह एक चीज़ बना रही हूँ, वो भी आप शाम को खा सकते हैं। तो अब मैंने बोला था कि आप लोगों को शाम का जो थोड़ा बहुत नाश्ता है वो शेयर करूँगी। तो देखिए, इसमें मैं ले लिया अरहर दाल और हरी मिर्च और थोड़ा सा जिंजर माने गार्लिक, तो लहसुन का कली, और यहाँ पर जो कल मैंने बनाया था दाल का जो भापा, तो वो भी रह गया है। तो इसको पेस्ट करके उसके अंदर देना है। तो चलिए पेस्ट करके लेके आते हैं। और कढ़ाई के अंदर ऑयल बिठा दिया है मैंने, और भी बहुत सारा कुछ मैं नाश्ते के जैसा बना रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसमें है अदिति बना रही है ये जो मीठा वाला पायस, खीर बोलते हैं आपके यहाँ, तो ये दूध ले लिया, और ये जो है चावल का दाना कटी हुई, इसको हम लोग बोलते हैं खुद वाला चावल, तो खुद वाला चावल, और मैंगो का जो मैं खीर बना के रखा था वो भी। तो आजकल जो मैंगो का सीजन है, इसमें मैं मैंगो वाला खीर नहीं बनाऊंगी, ये तो हो नहीं सकता। तो चलिए आपको आज शाम का जो हम लोग खाएंगे वो मैंगो वाला खीर भी शेयर कर देते हैं। तो जो भी हो, आप लोग देखते रहिए, और आप लोग इसको शाम को सुबह बना के शाम को खा सकते हैं नाश्ते में। तो चलिए मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो इसको पेस्ट कर लेती हूँ पहले। तो देखिए, मैं सबको मिला लिया है, तो अभी इसको मैं बड़ी जैसा बना दूंगी। तो ये खाने में अच्छा ही होगा मुझे लगता है। तो चलिए भून के मैं आती हूँ। तो ये वाला पकौड़ा तलना हो गया है, और इतना टेस्टी बना है मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मतलब जैसे साउथ इंडियन बड़ा होता है ना, और इसमें प्याज धनिया वो सब है, बहुत टेस्टी लग रहा है। आप ऐसे ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, अभी तो हम लोग खा रहे हैं सुबह, इस शाम का नाश्ते में भी बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो अदिति भी खा के बोला है, तो आप लोग जल्दी से बना के खाइए। और इसमें थोड़ा तो चलिए आज बना लेती हूँ पटल परवल से कतला मछ की रेसिपी। तो परवल देंगी और थोड़ा डाटा भी दूंगी, क्योंकि आदित्य का भी पसंद है, और आदित्य आलू छील रही है। तो चलिए डाटा बना लेते हैं, और डाटा साग भी कर लेते हैं। ये भाजी, तो इसका भाजी होगा और मच का। तो भाई यहाँ पर आलू छील रहा है, तो अभी पहले कढ़ाई के अंदर तेल दे देंगे, क्योंकि मच्छी पहले हम लोग इसको मच्छी को तल लेंगे थोड़ा सा। तो आज कतला मच का जो हम लोग झोल बनाएंगे, उसके लिए जो मसाला है उसके लिए हम लोग मिर्ची, मतलब हरी मिर्ची, अदरक और एक टमाटर ले लिया है बड़ा वाला, इसको अच्छे से मिक्सी कर लेंगे। तो गाइस, दीदी कर रही है काम, मम्मी भी कर रही है काम। दीदी कर रही है मच भाजी, मम्मी कर रही है बासन मच्छी। इधर जो मछली का ऑयल है वो अदिति का मुझे बहुत पसंद है, उसको मैं भून रही हूँ। और इधर पे अदिति मछली का कड़ी बनाने के लिए तैयारी कर रही है। तो चलिए मैं सब्जी बना के आती हूँ। आपको आप लोगों के लिए जो टिफिन मैंने बनाया है वो भी आप कर सकते हैं, और खीर बनाने के लिए बंगाली चैनल में आप मैंगो का खीर देख लीजिए। और अदिति और अदित्य थोड़ा खा के बोलेंगे क्या कैसा हुआ है, तो थोड़ा चम्मच खा के देखो कैसा हुआ। हेलो मच्छी उठा लिए हैं, अभी थोड़ा सा आलू को तल लेंगे।
और इसमें थोड़ा सा नमक दे देंगे। अदिति पूरा मछली भून दिया है, मछली भून लिया है और अभी मसाला भी कर लिया है, तो इसके अंदर और थोड़ा सा नमक और देखिए परवल भी अच्छे से भून गया है आलू के साथ, तो अभी इसके अंदर जो मसाला बनाया था वो दे दूंगी और हल्दी, हल्दी और जीरा पाउडर और थोड़ा सा दही है मेरे पास, ये भी दे दूंगी इसके साथ। तो चलिए ये भून लेते हो तो फिर इसमें पानी दे दूंगी। तो देखिए अभी जो सामान उतारा था इसके अंदर से वो अभी रखना है, क्योंकि फ्रिज बंद है बहुत टाइम से, इसलिए पानी हो रहा है सब चीज़। तो चलिए रख के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे रख। तो अभी हो गया है मेरा मसाला भुना, तो अभी इसके अंदर पानी दे दूंगी, अंदर से पानी देके पानी थोड़ा उबल जाए तो इसके अंदर मछली दे दूंगी, तो बन जाएगा मेरा सब्जी वाला मछली का कारी, परवल से अच्छा मछली बनाया। तो चलिए चावल भी बिठा दिया है, तो चावल भी बन गया है और काम बहुत सारा बर्तन है और अभी भाजी भी कटना है, तो कपड़ा भी बहुत सारा, सुबह से बहुत सारा काम किया है लेकिन घर में अभी तक झाड़ू नहीं दे सकती, तो बहुत सारा कपड़ा है ये भी धोना पड़ेगा, तो पानी चढ़ा देती हूँ। तो चलिए पानी भर जाए तो इसको धो के अच्छी तरह से इसको सुखाने के लिए रस्सी में डाल दूंगी। और देखिए जो फ्रिज मैंने फिर से थोड़ा सब कुछ सिमट लिया है और अभी थोड़ा नीचे का काम करना है, थोड़ा नीचे भी ऐसा, तो अभी इसके अंदर पानी दे देती हूँ। गर्मी के मौसम में हरी मिर्च से आप खाने की कोशिश करिए, ज़्यादा सूखी मिर्च खाने में तकलीफ हो सकता है आपको, तो हरी मिर्च से मैं ये मछली का कड़ी बनाया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट करके, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मछली दे दूंगी इसके अंदर, देखिए मछली आज बहुत ही अच्छा लेके आए हैं अदिति के पापा, तो ये थोड़ा उबल जाए फिर देती हूँ। तो रान्ना तो मोटामुटी हो गए, तो चलो तुम्हारा देखे दी, ये शाक भाजा बसिए दीजिए और ये माछेर झोल, और तो मछली का कारी बन चुका है, तो अभी ये जो भाजी है ये भी कर चुकी हूँ मैं। तो चलिए आज दोपहर में क्या खाते क्या नहीं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, और मछली के साथ है गंधराज लेबू, ये तो बहुत ही गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है खाने में, तो आप भी चाहे तो गंधराज लेबू के साथ खाना खा सकते हैं। तो चलिए आज सब काम कर लेते हैं फिर आती हूँ। तो आज के चले जैसे बाड़ी 10 केजी आम, ये देखो गाचे এটার ব্যবস্থা করা হবে, কি করা হবে দেখছি। তো দেখি মেরা তো সব কাম হয়ে গেছে আর কিচেন কা জিতনা সারা বর্তন থা তো ও মে সব কর লিয়া হে আর আদিতি চাওয়াল দে দিয়া হে। तो दोपहर में ये मछली नहीं खाएंगे ये लोग।
और दोपहर में जो सादा मछली रन्ना है वो खाएंगे, पकाया है ये रात को खाएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसा हुआ है क्या। तो चलिए अदिति खा लेते हैं, उसको दे देती हूँ जो मछली का ऑयल वो थोड़ा उसको दे देती हूँ। तो भाई तभी खा रहा है और ये मछली थोड़ा सा खा के बोलो ना बाबा, थोड़ा सा खा के बोलो तो जाने दीजिए। अच्छा वाह, तो चलिए और लोग खा लेते हैं फिर आते हैं। ज्यादा पक गया है अंदर, ज्यादा पक जाने से ना कैसे सॉफ्ट हो गया अंदर, इसलिए ऊपर से लग रहा है कि एकदम कच्चा है। हाँ, लेकिन अंदर इतना पक गया है और इतना मीठा और ये है। पूरा मतलब ना मेडिसिन नहीं दिया हुआ है पूरा। हाँ, मतलब गाच पका बोलते हैं, मतलब पेड़ में पका हुआ है। तो चलिए खत्म करते हैं मैंगो के साथ, और आप लोगों को बोला था कि शेयर करूंगी रात को जब वो मछली का झोल हमने हम लोग खाएंगे। दायित्व को अदिति प्राइज दे दिया तो खा रहा है, उससे पूछ लीजिए कि उसको पूछ लेती हूँ कि कैसा हुआ है क्या। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, कुछ अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना, और प्लीज साथ बने रहिए, कल एक नई ब्लॉग लेके आ जाऊंगी। बाय बाय, गुड नाइट। कैसा हुआ बोलो मच्छी का झोल? हाँ अच्छा लग रहा है सच में। ठीक है, सबको बाय बोल दो।